So guys, finally, the most awaiting moment is here. Is Diwali, sorry. Gate ke piche, aap logon ke liye bhi surprise aur Yeshu ke liye bhi surprise. Us bichare ko humne bahut der se wahan pe bithaya hua tha. To chale? Three, two, one. खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। 11 किलो के केक की कभी पूरी कर दी नहीं। सो बाबू तू इधर आ रहा, उधर कौन सा नहीं है। तो गाइस ये है मेरे बर्थडे का गिफ्ट, मतलब ये मेरा बर्थडे है यहाँ पे। तो मैं क्या ही बोलू, काफी अच्छी डेकोरेशन करवाई गई है, सारा फोटा फुल कर दिया। डुब्बू ने बोला कि मैं कोई एहसान नहीं रख सकती, तूने मेरे बर्थडे पे किया था तो मैं तेरे बर्थडे पे उससे भी बेटर करूंगी और ये उससे भी बेटर है। थैंक यू सो मच। और बाबू यार ये पहनते हैं यार, नहीं बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बड़े कुछ नहीं होते, पहनना तो पड़ेगा बाबू। इसके लिए सेफ्टी पिन तो है नहीं हमारे पास, आप सिंपल पिन भी नहीं है हमारे पास, कैसे पहनते हैं इसको। मैं पहन लेता हूँ, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, पहले बताओ मेरे को शर्ट आती पहनने में। ये देख दे चिन्ना कैसे लिया था, ये खुद ही तो मैं पहनना ही नहीं होता ना। इसमें उस दिन भी नहीं आई थी याद है, उसके बर्थडे पे भी ऐसी हुआ था। सिर्फ 4 मिनट आप अपनी आ जाए, तशरीफ यहाँ रखिए जरा। तो गाइस फाइनली इट्स 11:59 और यशु यहाँ पे है, तो बस अभी कुछ ही देर में यशु का बर्थडे आने वाला है। सॉरी मैं 1 महीने से वेट किया, बता दो आप जरा। दिसंबर से, ऐसे दिसंबर से तो आया तब से सब ठीक है। हाँ तो क्या लगता है, देखो क्या सरप्राइज होगा, इस टाइम कॉम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बोलो देखो क्या लगता है, क्या सरप्राइज होगा। चल चल चल, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बर्थडे गिफ्ट चल ही रहे हैं जब से मेरा बर्थडे का वीक शुरू हुआ है, ये आज का बर्थडे गिफ्ट है। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग कर ली जाए, इसमें क्या है। आप साथी ने मेरे को ये दिया है तो आप लोग भी समझ गए होंगे ना, मैं समझ आ रहे हैं बस। यहाँ से मेरे को दे दो है। तो फाइनली मेरे हाथ पैर कॉपर है, मैं सही बता रही हूँ। मैंने कभी, क्योंकि ऐसा कभी मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि इसने जब मेरे को मेरे बर्थडे पे जब इसने ऐसा कुछ किया था तो इसने रिंग गिराई दी थी, वो मैंने मतलब दिखाया नहीं था वीडियो में, बट इससे रिंग गिर गई थी और वो चली गई थी बेड के नीचे, और फिर उन्होंने मतलब जो भी साथ में थे सबने बेड ऐसे उठा दिया। तो यशवी का दत्त वेट नहीं हो रहा मेरे सच में, हाथ में कांप रहे हैं यार। तो यशी का दत्त, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ क्या आगे बोलो, लाइफ टाइम मेरे साथ ही रहे और हमेशा रहे। प्लीज एक्सेप्ट दिस। मैं
बनाने का है इस वाली में, मैंने खाली रखी है इसलिए फिंगर अपनी ये वाली इसमें बनाने का है। तो चलो बनाते हैं हम। वो दो ना, माचिसों में मिली नहीं थी, लाइटर मिला था, लाइटर दे दो। लाइटर बाहर लेके आना पड़ेगा। ले आओ। कॉपी नहीं हटो। मैं कॉपी लगा दी। एक मिनट। कोई बात नहीं। ये जलेगी नहीं अब। उधर एक मिनट। बस ये जल जाए। क्योंकि आपने इसमें इसको केक खिला दिया ना आपने। दोनों ही एक साथ के सामारी। कोई बात नहीं। नर्वसनेस में कर दिया। कोई बात नहीं। जल जा भाई प्लीज जल जा, बेइज्जती हो जाएगी भाई। सॉरी पटक ना जाए ये पटक मत जाइयो मत जाइयो। तो वो नहीं जलेगा क्योंकि इसके अंदर केक जा चुका है ऑलरेडी, आपने उसको केक खिला दिया है। तू भी ऐसे करेगा क्या? कोई बात नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दिखाना है। हम हो और रेनबो ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो रेनबो को रिप्रेजेंट करते हैं। गाइस को भी खिला दो। गाइस ये केक आपके लिए है और ये मैंने बग बैन वाली हरकतें सीख ली है अभी से, क्योंकि नेक्स्ट चैनल में मेरे को यही करना है। थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए, जो मेरे लिए हमेशा एक वर्ड में यूज करती हूँ अनएक्सपेक्टेड, और ये अनएक्सपेक्टेड का भी अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मैं कभी लाइफ में नहीं सोच सकती थी 29 ईयर से पहली बार ऐसा होगा। ये मेरा पहला बर्थडे जो इतना ग्रैंड सेलिब्रेट किया गया है, हालांकि बहुत ज्यादा लोग नहीं है लेकिन जो भी लोग हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा से भी ज्यादा है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन इतना स्पेशल डे मेरे को दिखाने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए। चार लोग हमने 4BHK किया जिसमें हम रह भी नहीं थे, बालकनी में बैठे थे, शादी भी कर सकते थे सही में। बट ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग उससे भी बेहतर तरीके से करेंगे। अभी बाबू कल का दिन बाकी है गाइस, अभी मेरे बर्थडे की शुरुआत हुई है क्योंकि आज 7 दिसंबर हो चुका है लेकिन ये 7 दिसंबर की नाइट है, तो कल का पूरा दिन और कल की पूरी नाइट हमारे पास है और 8 दिसंबर की मॉर्निंग तो है ही, तो अभी आगे आगे देखो होता है क्या। बाकी साथ में सारी हदें पार कर दी है रोमांस करने की, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ये कैमरे के पीछे भी ये बेइज्जती थोड़ी ना मार रही हूँ। और मैं क्या बोलूँ बाबू, बोल कुछ मेरे लिए बोल। ये मेरे से ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, देख ही रहे हो आप।
तो फाइनली गाइस आप लोग देख ही चुके हो आज इन्होंने जो जो मेरे लिए सरप्राइज रखे थे, आज तक का सरप्राइज यही था। वैसे तो हर मोमेंट मेरे लिए सरप्राइज की तरह ही थी, जैसे कैसे करके इन्होंने सारी चीजें मैनेज करके यहाँ तक पहुंचा दी है ये दिन। तो अब देखते हैं कल का दिन कैसे होता है। वैसे मेरा पति कह रहा था कि 6 को बापू बस हो गया बर्थडे और कितने तू बर्थडे मनाएगी लेकिन नहीं, अभी आपको वेट करना होगा कल का, क्योंकि कल है 7 दिसंबर रियल वाला। और अगर मैं अपने बर्थ के हिसाब से जाऊं तो मेरा जो बर्थ हुआ था वो हुआ था रात के 2:15 बजे, तो मेरा पैदा होना बाकी है अभी। तो आप लोग सोइएगा मत, जो तो जाग रहा हो मुझे 2:15 बजे विश कर देना। और थैंक यू सो मच आप सबको जिन्होंने मुझे इतने दिन से मेरे बर्थडे के लिए विशेष देनी शुरू की थी, थैंक यू सो मच। जो भी मुझसे कनेक्टेड है, जो भी मुझसे प्यार करते हैं और जो भी हमें यहाँ तक लेके आए हैं, थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। और नए चैनल पे जो रिस्पांस मिला है, हाँ, और एक चीज और, नए चैनल पे आज जो रिस्पांस मिला है ना, मतलब कुछ ही घंटों में आपने इतना प्यार वहाँ पे दिया है, उसके लिए थैंक यू। मतलब मैं थैंक यू से ज्यादा और कुछ कह नहीं सकती, लेकिन सीरियसली बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे जैसे मैंने सब्सक्राइबर देखे वहाँ पे, तो बहुत अच्छा फील हुआ। और मुझे लगता है कि कल सुबह जब मैं आगे बोलूंगी तो वहाँ पे मुझे और अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना अगर आप मुकबैंग देखना चाहते हो तो, क्योंकि बहुत सारे क्रेविंग्स लेके आने वाली है यशिका बत्रा आपके लिए। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में गाइस, क्योंकि जल्दी आने वाली है बहुत प्यारी प्यारी चीजें, बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं। हाँ तो गाइस अभी के लिए इतना ही, और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि 7 दिसंबर की मॉर्निंग में। तो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा आप लोग एक्साइटेड हो। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का तो पसंद आया ही होगा, तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और मेरी आउटफिट पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पास लाओ कैमरामैन, पास लाओ।